राज्य सरकार पेयजल के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन उसकी क्या हकीकत है? ग्राउंड जीरो पर एबीपी न्यूज की टीम पहुंची हुई है। नमस्कार दोस्तों, एबीपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मध्य प्रदेश से नितिन ठाकुर इस समय मौजूद हूँ भोपाल से 40 किलोमीटर दूर पुरानी चंदेरी गांव के पास। आप देख सकते हैं चिलचिलाती धूप में किस तरह से 47 डिग्री से अधिक का तापमान है, और मैं पुरानी चंदेरी के पास इस नदी के अंदर मौजूद है। पूरी नदी सूखी हुई है, आप देख सकते हैं। चंदेरी जो पुरानी चंदेरी के गांव के लोग हैं, ये सूखी नदी है। इस सूखी नदी के अंदर ये झीरी खोदकर पानी भरने को मजबूर है। इनके कंठ सुखाने के लिए आप देख सकते हैं ये झीरी खोदी है नदी के अंदर। इस झीरी के अंदर पानी इकट्ठा होता दिन भर में, और फिर इस तरह से महिलाएं पानी भरती हैं। आप देख सकते हैं ये टॉवल डालकर साफ कर पानी भर रही है। हमारे साथ दीदी मौजूद है, हम बात करें। दीदी, क्या नाम है आपका? सीता बाई जी। पुरानी चंदेरी से ही है? पुरानी चंदेरी से। ये पानी क्यों भर रही है सर? हमारे गांव में कुछ साधन ही नहीं है, नल नहीं है, नदी का डैम नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमने ये झीरी खोद के और हम पानी भर रहे हैं। अच्छा, कितने दिन पहले खोदी है? अभी खोदी है हमने 15 दिन। अच्छा, इसी तरह रोज भरते हैं? रोज भरते हैं। अच्छा दीदी, आप भी यहीं से पानी भरते हैं? हाँ, आप भी यहीं से भरता है। हमारे गांव में कहीं नल की व्यवस्था न कहीं पानी की व्यवस्था, ऐसे ही झीरी खोदी हमने और एम एस बस कुप्पा ले जाए। मावेशी की, माल की, मनक की, सबकी व्यवस्था है ही नहीं। अच्छा, हाँ। और ये पीने का भी यही पानी? पीने का भी और मनक का भी, माल का, सबका ही। कहीं नल की सुविधा न कहीं टंकी की सुविधा, न काई की नहीं है। और खास तौर पर बता दूं कि भोपाल से 40 किलोमीटर दूर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर में मौजूद हूं, जहां पर 607 ग्रामीण गांव आते हैं, जिसमें से 30 गांव ऐसे हैं जहां पर भीषण जल संकट है। इसी बीच समाज सेवी एम एस मेवाड़ा मौजूद है, हमसे बात करेंगे। मेवाड़ा जी, क्या स्थिति है यहाँ पर? लोग देख रहे हैं झीरी खोद के पानी पी रहे हैं। क्या करो साहब, पुरानी चंदेरी गांव है, और ये पुरानी चंदेरी में लगभग 1500 की जनसंख्या है। ऐसा नहीं है पीएचई ने बोर नहीं करे, पीएचई ने बोर भी करे, 5-6 हेडपम्प करे, लेकिन वाटर लेवल सूखने की वजह सारे बोर सूख चुके हैं। ऐसा नहीं है पीएचई भाग मदद तो कर रही, लेकिन अब पानी नहीं है, कुएं उनमें पानी नहीं। आप ये देखो, हमारी चंदेरी की तिरवानी नदी है, यह तीन नदी का संयोग मिला है। ये अभी मिट्ठू लाल जी ये जो बैठे हैं और ये भाइयों ने मिलकर अभी 2 महीना हुआ, लगभग 2-1 महीने, क्या 2 महीने हुआ ना भाई, 2 महीने पहले ने ये झीरी खोदी। झीरी खोदी तो रेत में से, देखो कुदरत की देन, सबसे बड़ी तो मैं कुदरत को धन्यवाद दूँ। सरकार क्या करेगी जो कुदरत ने इसे 2 फीट ऊपर ही पानी दे दिया, सबसे बड़ा तो ये चमत्कार वाली बात है। और आज ये इसमें से कपड़े में छान करके और इस तरीके से ले जा रही महिलाएं, क्योंकि यहाँ से चंदेरिया भी, इस जगह से चंदेरिया भी 1.5 किलोमीटर दूर है, पैदल आती है, कहीं दोपहर को भर ले जाती, कहीं सुबह। अच्छा, जिसका जैसा नंबर आया था, कोई सुबह से खाली कर जाता, फिर शाम तक झीरी भरा जाती, फिर शाम को भर लेते। अभी अभी इन महिला को, क्यों तुम तो दोपहर ही, क्या सुबह पानी नहीं मिला तुम्हें? इनको सुबह वापस चलेगी, पूरा खाली हो गया था, ये दोपहर तक इकट्ठी हो गई। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एबीपी न्यूज के माध्यम से अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, यहाँ नल जल योजना लागू की जाए। यहाँ का तकीपुर डैम है, वही फूटा पड़ा नवापी शासन का तकीपुर डैम बंधा है यहाँ, है तीन नदी का सहयोग है। भगवानपुरा तालाब से चाहे तो यह पानी पिलाया जा सकता, तालाब करीब ही है, भगवानपुरा तालाब है, वो भी सरकार नहीं कर रही ना। ये तकीपुर डैम सिंचाई विभाग बांध रहा है, यदि ये डैम भी बन जाए तो भी यहाँ पानी की व्यवस्था की जाए, क्योंकि कितने बोर करेगी पीएचई? कितने गांव की आबादी है? 1500 की आबादी है, बताइए आप कब तक सरकार। तो मैं सरकार से अनुरोध यही करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा, जिला प्रशासन अनुरोध करूंगा कि तकीपुर डैम बनवा दी जाए, भगवानपुरा तालाब से 1 फीट पानी यहाँ दे दी जाए। और दूसरी बात, यहाँ 2-3 नलकूप खनन करे तो घेरा करे पीएचई भाग, 2-3 नलकूप खनन कर दे तो आज ये स्थिति नहीं। आज ये बताओ झीरी खोद के, जबकि कुएं उन सूखे पड़े 50-50 फीट घेरे हैं, तीनों नदी सूखी, डैम सूखा, लेकिन फिर भी देखो कुदरत ने, कोई नहीं तो मालिक को तो तरस आ रही, सरकार को तरस नहीं आ रही। आप देख सकते हैं किस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर के अंदर पुरानी चंदेरी गांव के अंदर झीरी खोदकर ग्रामीण किस तरह से मजबूर होकर ये गंदा पानी पीने को मजबूर। आप देख सकते हैं महिलाएं खुद ये टॉवल डालकर छान का पानी पी रही हैं। और ये मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ समय पहले ही सुबह तमाम जिला प्रशासन और तमाम जो भोपाल के बड़े अफसर थे जिनके साथ जल जीवन मिशन को लेकर बैठक की थी, और तमाम अधिकारी फील्ड में भी गए थे, लेकिन कोई उसका असर नहीं दिखाई दिया। लेकिन आज भी सीएम के गृह जिले में लोग पानी पीने को मजबूर हैं। एबीपी न्यूज़ के लिए सीहोर से नितिन ठाकुर की रिपोर्ट।